अजमल भाई क्या बताऊं, बाबे कहिंदे ने, पंजाबी दी मिसाल है, बाबे कहिंदे ने निकला बंदा ते गल वाली बुढ़ी चंगे नहीं हुंदे। ठीक है, ते जेड़े लोकां कोल ब्रीड टगे दी ब्रीड नहीं है ते गल्लां वड्डियां वड्डियां पहाड़ा जिहड़ियां करदे ने ते उहनां दे फिर इहो जिही मिसाल ही फिट हुंदी जे। मेरे पास इस टाइम 18 बर्ड है, ठीक है, 4-4.5 लाख रुपया मेरी महीने की महाना आमदन है। जिसको यकीन नहीं आता, जिस भाई को वो मेरे पास छत पे आए उसको तसल्ली करवा के भेजूंगा। सिर्फ 1 लाख रुपया मैंने इस काम में लगाया, 1 लाख के मेरे ब्रीडर हैं, 1 लाख रुपया मैंने टोटली शेड पे लगाया है, ठीक है, और 1 घंटा सुबह और 1 घंटा मैं शाम को इनको दे रहा हूँ, सिर्फ 2 घंटे 24 घंटों में, ठीक है, और महाना 4.5-5 लाख रुपया आमदन मुझे आ रही है। और कौन सा ऐसा काम है कि 2 घंटे का टाइम दे के और महीने का आप इतने निकाल सकते हैं। कहने को तो सारे बर्ड बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मेरे अल्लाह ने बहुत बहुत खूबसूरत बर्ड बनाए हैं, लेकिन जो सिल्वर लेस वाइंड आर्ट है ना, वो मेरे यहाँ रहती है, वो तो रात को ख्वाबों में भी आती है शहजादियों की तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अजमल भाई, आप सुनाए, आप कैसे हैं? मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। आमिर भैया आपके बर्ड्स कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट हैं। बताएं कारोबार के आजकल क्या हालात चल रहे हैं? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है अजमल भाई। अच्छा आमिर भाई, सबसे पहले पाकिस्तान के फार्मर्स को, पाकिस्तान के नौजवानों को अपना तारफ करवा दीजिएगा। जी मेरा नाम आमिर एजाज है, मेरी लोकेशन सियालकोट जम्मू रोड डालवली है। आमिर एजाज, फैंसी पोल्ट्री फार्मिंग की दुनिया में कब आगाज़ किया था आपने? तकरीबन अजमल भाई मैंने तकरीबन 6 महीने पहले। 6 माह पहले कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ और कौन से बर्ड्स के साथ आगाज़ किया? जी अजमल भाई मैंने तकरीबन 1 लाख से काम स्टार्ट किया था। टोटली मेरा पहले शेड भी नहीं था, शेड में तो मैंने बाद में इनसे कमा के तो फिर लगाए हैं, तो मैंने अयाम समानी से आगाज़ किया था। 1 लाख से चिक्स लिए, ब्रीडर लिए? मैंने ब्रीडर लिए। ब्रीडर लिए और उसके बाद तब छत ना थी? नहीं नहीं बिल्कुल ऐसे ही था। तो छत फिर कितने में बना लिया आपने? तकरीबन 1 लाख में। 1 लाख में 1 लाख के बर्ड्स, 1 लाख में छत, आज अल्हम्दुलिल्लाह कितने यामसिमानी है आपके पास? मेरे पास इस टाइम 12 पीस है यामसिमानी है। और सिल्वर वाइंडोर कितने पीस हैं? वो तकरीबन 8 पीस हैं। 8 पीस हैं, ये टोटल तकरीबन 20 के करीब बर्ड्स हैं आपके जी, पास जी, बिल्कुल। अच्छा बताओ कि अयाम सिमानी और सिल्वर लेस्ड वाइंडोर्ट में क्या पाया? अल्हम्दुलिल्लाह पहले यामसमानी थी, उसी से मैंने कमा के फिर वाइंडॉट, मुझे थोड़ा सा इसका फ्यूचर नज़र आ रहा था वाइंडॉट का, मैंने एक सेट लिया, मेरे चिक्स पूरे नहीं थे हो रहे, अभी एक सेट मैंने और इंपोर्ट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसका 1-2 सेट और मंगवा लूँ। अच्छा सिल्वर लेस्ड वाइंडॉट का इस वक्त क्या मार्केट में क्या मतलब ट्रेंड है इसका? पूरा ट्रेंड है यामसिमानी से, मतलब यामसिमानी को सिल्वर लेस्ड वाइंडॉट को अगर कंपेयर किया जाए तो किसे ज़्यादा नंबर देंगे आप? देखिए अजमल भाई, सिल्वर लेस वाइंड आउट और यामसमानी में ये है कि एक करोला है और एक स्विक है, ठीक है, अब करोला तो स्विक है ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है, लेकिन वो हर बंदा नहीं ले रहा, उसका डबल रेट है करोला से, ठीक है, और जो सिल्वर लेस वाइंड आउट है ना वो स्विक की जगह है कि वो खूबसूरती में ज़्यादा है, ऊपर है, ठीक है, टॉप ट्रेंड जा रही है इस टाइम, लेकिन उसका रेट ज़्यादा है। आपकी स्विक ज़्यादा चलेगी या करोला ज़्यादा चलेगी? दोनों अच्छी हैं, दोनों सही सेम चल रही हैं इस टाइम। अच्छा पाकिस्तान में ना ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं आमिर भैया। जी बिल्कुल। अयाम सिमानी के रेट्स जो पहले थे अब नहीं, सिल्वर लेस्ड वाइंडोर के जो रेट्स अब हैं फिर नहीं रहेंगे जी, तो जी, क्या सीन है मार्केट का, क्या देख रहे हैं आप? जाहिर सी बात है अजमल भाई, जब एक ब्रीड आम होती है, ठीक है, उसका रेट थोड़ा डाउन होता है, ठीक है, लेकिन क्वालिटी वाला जो बर्ड है ना उसका रेट डाउन नहीं होता, कभी डाउन नहीं होता। आजकल काम कैसे कर रहे हैं, आपके काम करने का तरीकेकार क्या है? जी अजमल भाई हम इनसे एग ले रहे हैं, इनक्यूबेटर अपने रखे हुए हैं, हैच करवा रहे हैं, आगे हमारी बुकिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, 2-2, 3-3 माह की बुकिंग चल रही है हमारी। अच्छा 2-2, 3-3 मंथ की बुकिंग चल रही जी, है जी बिल्कुल। अच्छा अमर भाई बताइएगा कि आपके जो सिल्वर लेस्ड वाइंडोट हैं और आपके यामसिमानी हैं, देखें हर बंदा कहता है कि मेरी क्वालिटी दी बेस्ट है जी, आप अपनी क्वालिटी के बारे में क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अजमल भाई क्वालिटी आपके सामने है, और मेरा ख्याल है जिसके पास क्वालिटी है ना उसको अपने मुंह से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी सामने देख के बर्ड चल रहा फिर रहा हो तो नज़र आ जाता है कैसा है। चले अमर भैया की जो क्वालिटी है, जो बर्ड्स हैं स्क्रीन पे चल रहे हैं, आंख वाले देख सकते हैं। अमर भाई शेड स्ट्रक्चर बताइएगा, आपकी छत की कितनी जगह है, शेड स्ट्रक्चर कैसे बनाया? तकरीबन अजमल भाई ये है तकरीबन 20 फुट लंबा है और तकरीबन 30 फुट उसकी चौड़ाई है, ठीक है, और ऊपर हम देख रहे हैं बाले और ईंटें डाली हुई हैं आपने जी, इसके ऊपर ये ईंटें वगैरह, उसके ऊपर मैंने लेंटर वाला पूरा ना
वो डाला हुआ, सिस्टम किया हुआ लैंटर वाला ही। और ये आगे फ्रंट में वैसे ही ओपन पोर्शन है? जी जी, वैसे ही जब दिल करता है दो तीन घंटे एक ब्रीड को धूप में निकाल दिया थोड़ा। और वहाँ छोटा सा खुड्डा देख रहे हैं, वो किस लिए? वो चिक्स के लिए, जो कस्टमर की बुकिंग होती है एक माह के लिए, दो माह के लिए, तो उसमें फिर तैयार करते हैं हम। ठीक, ब्रूडर रूम एक अलग रखा हुआ है। आमन भाई, तरीक़ेकार क्या है, आपके डेली की रूटीन क्या है, मतलब काम कैसे करते हैं, सुबह उठते हैं क्या करते हैं, पिछले टाइम जो घंटा देते हैं कैसे करते हैं आप काम? अजमल भाई, सुबह उठ के एक घंटा देना होता है इनको फीड और पानी, कुछ भी नहीं करना, बाकी सारा दिन फ्री है। शाम को इनको एक घंटा देना फीड और पानी, बस सारा दिन फ्री है। लॉसेस कितने कर लिए? पैसे तो आप 4-5 लाख अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं, लेकिन लॉसेस भी तो हुए होंगे 6 मंथ में, या कामयाबी ही कामयाबी रही? फिलहाल तो कामयाबी ही कामयाबी है, थोड़े से लॉसेस हुए थे लेकिन वो भी हमारी गलती थी थोड़ी सी। चलिए गलती बताएं, खुल के बताएं, ताकि हमारे फार्मर जो आपकी वीडियो देखकर फार्मिंग में आते हैं उन गलतियों से बच सकें जो आपने की। मेरी गलती ये थी कि जो मेरा पहला वाला शेड था ना, बारिश हुई है, सारा पानी अंदर आया और सारे बर्ड मेरे एक्सपायर हो गए, और उनको इतना मुझे पता भी नहीं था, उनको मैंने गीले थे सारे, उनको हीटर के आगे रख दिया, वो सारे एक्सपायर हो गए तकरीबन। ओए, ये नुकसान हुआ जी। तो अब अगर कोई बर्ड्स आपके पास आते हैं या आपसे लोग के जाते हैं, आप उनको क्या सिखाते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स दो उनको ये काम करके लॉसेस से बच सके? उनको कहते हैं, कुछ कहते हैं जी भाई हमने आज ही ना कोई 100 ब्रीडर डाल लेना, कुछ ऐसे कस्टमर भी आते हैं कि 100 चिक्स डाल लेना, कहते हैं कि भाई आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी चढ़ी जाती है, ठीक है। उनको कहते हैं कि जो आप चिक से स्टार्ट, अगर चिक से स्टार्ट करना है तो आप उनको अपनी मर्जी का, अगर आपका तजुर्बा है तो आप पहले जितने मर्जी ले सकते हैं, अगर नहीं तजुर्बा तो थोड़े थोड़े से स्टार्ट करें, कम से स्टार्ट करें, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उसको छोड़े ना, इसको साइड बिजनेस के तौर पर आप करें काम। चलें आमर भाई, आप फुली मोटिवेटेड हैं, वो इतने ज़्यादा पैसे, वो भी 1-2 घंटा लगा कर, आप तो फुली मोटिवेटेड हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को क्या डिज़ाइन देते हैं आपके, वो कम इन्वेस्टमेंट के साथ एग से स्टार्ट करें, चिक से स्टार्ट करें, या 2-3 ब्रीडर लेकर आगाज कर लें, आपके नज़दीक बेस्ट रिकमेंडेशंस क्या हैं? देखिए अजमल भाई, छोटी सी बात है, पहली बात है मुझे कस्टमर कॉल करते हैं कि भाई हम कैसे स्टार्ट करें, मैं कहता हूँ भाई स्टार्ट इससे होना, जेब से। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप ब्रीडर लेंगे, आपको आते ही प्रॉफिट शुरू हो जाएगी 15 दिन में 20 दिन में, ठीक है। अगर चिक्स लेते हैं तो आपको 4.5-5 महीने वेट करना पड़ेगा, ठीक है, और चिक्स आपको छोटी इन्वेस्टमेंट से भी आप शुरू कर सकते हैं चिक्स लेके। चलें अमन भाई, ये एक ट्रेंडिंग सवाल है, देखें आपके पास यामसी मानी है, बेकरी है, 2-3 मंथ की बुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह आपने कर रखी है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सिल्वर लेस्ड वाइन डॉट टॉप क्वालिटी है आपके पास, आपकी बुकिंग चल रही है। जी जी। फर्ज करें सिल्वर लेस्ड वाइन डॉट और यामसी मानी के अगर 2-3-4 मंथ के बाद रेट्स कम हुए या इनका ट्रेंड कम हुआ, तो फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? अजमल भाई, इनके रेट कम नहीं होते, आप देखें ना कि अब अयाम समानी है, काफ़ी लोग कह रहे हैं भाई इसकी रेट डाउन हो रहे हैं, मेरा अभी भी डाउन नहीं हुआ, या जिनके पास क्वालिटी है उनसे अभी भी बुकिंग पे मिल रहा है, मुझे कस्टमर कॉल करते हैं, मैं उनको बुकिंग देता हूँ भाई महीने या 2 महीने बाद मिलेगा, क्वालिटी की सारी बात है, ठीक है। और कभी भी काम करना ना, हमेशा एक ब्रीड पर ना करें, कम से कम 2-3 ब्रीड पर आप काम करें। और ये कोई हतमी भी नहीं है आमर भाई, आप ज़बरदस्त पैसे कमा रहे हैं, ज़बरदस्त मैनेजमेंट आपकी, फ़र्ज़ करें कोई और टॉप ट्रेंडिंग ब्रीड हुई तो आप वो भी डाल सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा प्रोग्राम है, आप अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट कर सकते हैं, आप रिव्यू कर लें 1-2-3 मंथ के बाद। जी जी बिल्कुल। चलें आमर भैया, आपका तरीक़ेकार क्या है, आप अपनी मार्केटिंग कैसे करवाते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करते हैं? कस्टमर को अजमल भाई, पहली बात तो ये है कि उनको पहली बात हमारी यही होती है कि भाई जिससे मर्जी माल लें, चाहे हमसे लें किसी और से लें, लेकिन उनको धोखे से बचाते हैं। सारी बात है क्वालिटी की, इसमें आस्ट्रो आपका क्रॉस करवा रहे हैं लोग, और जो वाइन डॉट है इसमें अब 2000 का चिक्स मिल रहा है, वो बैंटम साइज का है। अच्छा। सेम यही है लेकिन वो बैंटम साइज है, छोटा है, तो कस्टमर को इस चीज़ से हम बचाते हैं। चलिए सिल्वर लेस्ड वाइन डॉट में कितने वर्जन हैं, स्मॉल मीडियम और लार्ज हैं? जी 3 है। और आपके पास लार्ज वर्जन? मेरे पास लार्ज है, डबल एक्सरसाइज है। और लार्ज वर्जन में भी मेरे ख्याल में क्वालिटीज़ के इश्यूज हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अपना आमिर भैया, मैंने सुना था कि सिल्वर लेस्ड वाइन डॉट में फर्टेलिटीज के इशू भी रहते हैं, आपके यहाँ फर्टेलिटी की रेशियो क्या चल रही है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब हम लेके आए हैं तकरीबन हाफ हाफ चिक्स निकल रहे हैं। अच्छा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा कल हैच निकला है, ठीक है, 13 अंडे थे उनमें से 12 चिक्स निकले हैं, उससे पहले 21 अंडों में से 18 चिक्स निकले हैं हमारे। भाई इनकी जनाना मर्दाना बीमारियां या कमजोरियां दूर कैसे करते हो, क्या खिलाते हो इनको? ये देसी नुस्खे कुछ खुद के लिए तैयार किए हुए हैं, ठीक है, कस्टमर को पूछते हैं, उनको बताते हैं कि भाई उनका भी फ़ायदा हो जाए। चलें अमर भाई, एक देसी नुस्खा, एक काम की बात जो आपके लिए मेरे लिए सदका जारिया बन जाए, वो क्या बताएंगे? बीमारियों के हवाले से कोई बता दें, कोई गाइडलाइन दे दें उनको। अजमल भाई, बात ये है कि अब काफ़ी लोग कॉल करते हैं भाई ये जानवर ना, मतलब बर्ड मुंह खोल के सांस ले रहा है, कुछ कह रहे हैं नोज से पानी आ रहा है, कुछ कोई मसला बता रहा है, तो वो मुख्तलिफ है उस हिसाब से ना, हर एक का मुख्तलिफ है। कस्टमर मुझे रब्ता करते हैं ना, तो मैं बता देता हूँ साथ साथ ही। चलें
अच्छा अब ये बताइएगा कि आपके पास सिल्वर लेस्ड वाइन डॉट अयाम सीमानी के हर मंथ अगर कोई बंदा बुकिंग करवाए तो कितने मैक्सिमम आप बर्ड्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं चिक्स? तकरीबन 50 50 तक कर सकते हैं जी। सिल्वर वाइन डॉट के भी, सिल्वर वाइन डॉट भी और अयाम सीमानी के भी जी। रेट्स मेंशन करना पसंद करेंगे या कॉल पे? कॉल पे। चलें एक दफ़ा ना एंड पे सदका जारिया समझकर दिल की बात लोगों को बताएं, उसके बाद अपना एड्रेस बताएं, आपने रابطہ नंबर्स बता दें। जी जी अजमल भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काम से बहुत खुश हूँ। मेरी गवर्नमेंट की शॉप थी ठीक है, मैं वो भी कर रहा था लेकिन इसको मैंने साइड बिजनेस के तौर पे शुरू किया है ठीक है। जब मुझे इस काम मज़ा आया मैंने काम छोड़ दिया। यही लोगों को मैं कहता हूँ कि अपना जो बिज़नेस है वो ना छोड़ें, इसको चिक से लेकर स्टार्ट करें। जैसा आपका ब्रीडर से अगर इन्वेस्टमेंट है ब्रीडर से स्टार्ट करें, चिक से स्टार्ट करें, लेकिन जब ये काम चल जाए फिर इस काम में आएँ। लेकिन मैंने एक फार्मर ने कहा था कि जो बंदा पोल्ट्री में आ जाए ना उसको रातों को नींद नहीं आती, वो हर वक्त एक इतना टेंशन वाला काम है ना कि हर वक्त उसकी जान जनाब हथेली पे रहती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। आप कितने सेटिस्फाइड हैं कि इस कारोबार को कितना स्ट्रॉन्ग या रिस्क फ्री समझते हैं? बिल्कुल वो बात आपकी मैं उसका जवाब लाजिम दूंगा कि रातों को नींद नहीं, मुझे भी रातों को नींद नहीं आती कि यार इतने पैसे अब घर में रखूं या बैंक में रखूं, कहाँ रखूं, मुझे इस वजह से नींद नहीं आ रही फिलहाल तो। अच्छा अच्छा चलें अपना एड्रेस और आपका नंबर बताइएगा। मेरा एड्रेस जम्मू रोड डालवली सियालकोट है, डालवली सियालकोट मेन मेरी लोकेशन है, नंबर आप स्क्रीन पर शो कर दीजिए। चलें अमर भाई यार एक ही अपील करूँगा कि मेरे पाकिस्तानी जो फार्मर है, मेरे पाकिस्तानी नौजवान कस्टमर्स जो भी व्यूवर्स आपसे रब्ता करेंगे, बस एक ही अपील है यार सिंसियरिटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ और अच्छी चीज़ उनको दीजिएगा जी लाजिम। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी भी सब बहन भाइयों से ठीक है कि मुझे ना व्हाट्सएप पे ज़्यादा मैसेज कॉल करते हैं कॉल। अब एक अजमल भाई आप खुद बताएं, एक बंदे को एक वक्त में 100 लोग कॉल करेंगे तो कैसे नंबर लगेगा ठीक है, तो मैं सबको यही कहता हूँ कि व्हाट्सएप पे रब्ता करें, ज़्यादा व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेकिन मेरा एक असूल है रात मुझे 3 भी बज जाएँ मैंने पूरे दिन में जितने भी मैसेज हो ना सबका रिप्लाई दे के सोना होता है, चाहे वो किसी ने लेने हैं इन्फॉर्मेशन लेनी है जो भी है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे मुझसे ज़्यादा रब्ता। बेहतरीन हाल ये है कि लोग आपको वॉइस मैसेज कर दिया करें, वॉइस मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें अगर नंबर नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादा नंबर नहीं लगता, काफ़ी लोग कॉल कर रहे होते हैं। चलें और दूसरा इसके साथ ही मुझे एक बात समझ आई कि फ़र्ज़ करें अगर लोग आपसे रब्ता करते हैं तो उनको ये फिजिबिलिटी के साथ साथ फिजिबिलिटी बना के बताते हैं कि इतने पैसे इतने लगा कर कमा लोगे, तो उनको सिखा भी दिया करें। आपसे जो बंदा लेगा क्या आप उसे सिखाएंगे भी? बिल्कुल मैं कहता हूँ कि जिसने 6 माह पहले भी लिए हैं ना अभी भी उनको साथ साथ गाइड करते हैं भाई अंडा कहाँ सेल करना, उनका अंडा सेल करवा रहे हैं, खुद अंडा ले रहे हैं। चिक्स मैं कहता हूँ यार चिक्स निकलवाएं मुझे दे, मेरी डिमांड नहीं पूरी हो रही, लेकिन उन लोगों से जिन्होंने मेरे से क्वालिटी लिया मुझे पता है कि ये क्वालिटी है ठीक। चलें आमिर भैया हंसते रहें मुस्कुराते रहें तरक्की के मनाजिल तय करते रहें, मेरे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी।